स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सोच ही रहे होंगे कि मैंने अपने हाथ में यह घास क्यों पकड़ी हुई है। मित्रों, यह कोई साधारण घास नहीं है, यह है गेहूं के जवार या वीट ग्रास जिसे आप कह सकते हैं। यह कोई मामूली घास नहीं है, इस पर एक अमेरिकी साइंटिस्ट डॉक्टर विगमोर ने काफ़ी रिसर्च किया और अंत में उसने यह कहा कि यह पृथ्वी का अमृत है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस अमृत का प्लांटेशन कैसे किया जाए, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको इन अंकुरित गेहूं का प्लांटेशन कैसे किया जाए वह दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक खुली जगह जैसे कि छत की ज़रूरत होगी। अगर छत है तो सबसे बेहतर रहेगा, अगर छत उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, अपनी बालकनी में भी आप इसे प्लांट कर सकते हैं। पर यह बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बालकनी में सूर्य प्रकाश ज़रूर पहुँचे। तो सबसे पहले आपको ऐसी ट्रे लेनी होगी, ऐसी ट्रे जो कि 12 बाय 18 इंच की है, ऐसी 7 से 8 ट्रे लेनी होंगी। यह आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएंगी आसानी से। फिर ऐसा एक न्यूज़पेपर कट कीजिए, फिर उसे इस ट्रे में अच्छे से बिछा दें ताकि पानी का निकास हो, मिट्टी का ना। फिर यह न्यूज़पेपर बिछा दें एकदम अच्छे से। तो मित्रों, अब हम क्या करते हैं, ट्रे की प्रिपरेशन तो हमने कर ली है, तो अब हम आते हैं हमारे सेकेंड स्टेज पर, गेहूँ की स्टेज पर। तो सबसे पहले आप मार्केट में जाएं, उमदा क्वालिटी के गेहूँ ले आएं, और इस बात का ध्यान दीजिएगा कि गेहूँ थोड़े मोटे हों और उनमें कोई कीड़ा या डंक ना लगा हो। गेहूँ कम से कम, ये 1 महीने की प्रोसेस है, तो कम से कम 4 से 5 किलो गेहूँ आप मार्केट से ले आइए। और फिर अंदाज एक 100 ग्राम की कटोरी में वह गेहूँ भर दीजिए। गेहूँ भरने के बाद अब हम उन्हें भिगाने जा रहे हैं। उन्हें भिगाने के लिए आप एक दूसरी कटोरी में उन्हें डाल दें। अब इन गेहूं को हम 24 घंटे के लिए पानी में डुबाए रखेंगे ताकि वो सारा पानी सोख लें। और 24 घंटे के बाद आपके गेहूं कुछ इस तरीके से दिखेंगे, थोड़े से फूल जाएंगे क्योंकि उन्होंने अभी सारा पानी पी लिया है और वो अंकुरित होने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारी अगली स्टेप की तरफ। एक कॉटन का कपड़ा लें, उसे इस तरीके से बिछा दें, फिर उसके अंदर यह सारे गेहूं डाल दीजिए। फिर अच्छे से उस कपड़े की एक गांठ मार ले। गांठ मारने के बाद इसे इसी तरह 24 घंटे के लिए लटकाए रखें। फिर 24 घंटों के बाद आप देखेंगे कि गेहूं अंकुरित हो चुके हैं और उगने के लिए तैयार है। हमने हमारे गेहूं 24 घंटे के लिए भिगाने के लिए रख दिए हैं, और एक सेट गेहूं का है जो हमने 24 घंटे के लिए मिट्टी में तैयार बोने के लिए, तैयार होने के लिए और अंकुरित होने के लिए कपड़े में बांध कर लटका दिया है। अब जब तक हमारे गेहूँ अंकुरित होते तब तक हम ट्रे को मिट्टी से भरने जा रहे हैं। तो अब मिट्टी कौन सी ली जाए, मिट्टी आप कोई भी ले सकते हैं, अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, कहीं पे भी आपको खेत या वहाँ पर मिल जाएगी वो ले लें। और उसमें गाय का सूखा गोबर मिला दें ताकि वह एक अच्छा खाद बन जाए। गाय का सूखा गोबर उपलब्ध नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, जो आपको कहीं भी मार्केट की शॉप में मिल जाएगा, फार्मिंग शॉप में मिल जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं मिट्टी को ट्रे में डालने की। काफी थका देने वाला काम है, जिसे मिट्टी से और गार्डनिंग से प्यार है वही इस काम को कर सकता है। तो अब हमने हमारी ट्रेज में मिट्टी भर दी है, इक्वली हर जगह मिट्टी को डिस्ट्रीब्यूट करके रखें और ऐसी 8 ट्रेस बना के रख दें। अब हमारी यह 7 से 8 ट्रेस मैंने भर के रख दी है मिट्टी से। अब कल जब 24 घंटे बाद हम आएंगे, हम देखेंगे कि हमारे गेहूं तैयार है या नहीं बोने के लिए, फिर हम हमारे गेहूं को पहली ट्रे में बो देंगे। जो 24 घंटे पहले जो गेहूं हमने लटका कर रखे थे कॉटन के कपड़े में, अब देखते हैं उनका क्या होता है। अब देखते हैं हमारे गेहूं को क्या हुआ है। अरे वाह, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अंकुरित हुए हैं, और इनका अंकुरित होना इनकी क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। तो ये जितने ज़्यादा अंकुरित होंगे उतने ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करें। चलिए अब हम इन्हें बोने जाते हैं। तो मित्रों, अब हम गेहूं को बोने जा रहे हैं। गेहूं को बोने से पहले मिट्टी को हल्का सा गीला कर दें पानी से, और अब हम गेहूं बोते हैं। गेहूं इनमें ऐसे डाल दें,
इस तरह से इसी तरीके से चारों ओर गेहूं को फैला देना है। फिर गेहूं को फैलाने के बाद इनके ऊपर और थोड़ी सी हल्की सी मिट्टी डालकर इन्हें बुझा देना है। मिट्टी गेहूं को मिट्टी से पूरी तरीके से ढक दिया है। अब हम इन पर हल्के हाथ से पानी डालने जा रहे हैं। पानी डालने के लिए आप स्प्रिंकल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वह उपलब्ध ना हो तो कटोरी से हल्का हल्का पानी डाल सकते हैं। इस तरीके से पानी डाल दे, हर जगह चारों ओर पानी डाल दे। दिन में दो बार इसी तरह हल्का हल्का पानी डालते रहिएगा ताकि मिट्टी सूखे ना, और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप ज़्यादा पानी भी ना डालें। अब यही प्रक्रिया हमें सब ट्रेस के साथ करनी होगी। तो कल जो हमने गेहूँ भिगाए थे, अब उन्हीं गेहूँ को हम कपड़े में उसी तरीके से बांधने जा रहे हैं, और यही साइकिल हमें कंटिन्यू रखनी है। कटोरी भर गेहूँ भिगा दिए हैं और इसी तरीके से आपको साइकिल कंटिन्यू रखनी है। तो मित्रों, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि 7 दिन पहले जो हमने गेहूँ बोए थे वो अब कैसे हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ हुई है। यह लगभग 6 से 7 इंच की इनकी ग्रोथ हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इनकी डे बाय डे ग्रोथ कैसी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मार्किंग्स के लिए कर ली है। जब आप पहले दिन गेहूँ बोएंगे वो इस तरह रहेंगे, फिर अगले दिन थोड़े से उगेंगे, फिर तीसरे दिन थोड़े उससे ज़्यादा, चौथे दिन उससे ज़्यादा, पांचवें दिन ज़्यादा, फिर धीरे धीरे करते करते वो कुछ इस तरह दिखेंगे और हमारे जूस के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे। यह गेहूं की घास जूस के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। इन्हें कट करने का सही समय है जब यह 6 से 7 इंच ग्रो हो जाए। यदि आप इससे ज़्यादा ग्रो होने देंगे तो इनका जूस का प्रमाण कम आएगा, और यदि आप इसे कम ग्रो होने देंगे तो भी इसके जूस का प्रमाण कम आएगा। तो सही समय है इसे 7वें या 8वें दिन कट करें, जब ये 6 से 7 इंच ग्रो। मैं इन्हें कट करने जा रहा हूँ। कटिंग के लिए आप इसके ऐसे बंचेस बनाएं और जड़ से थोड़ा सा ऊपर इसे कट करें, फिर ऐसा रख दे प्लेट में। हम हमारी इस कटी हुई घास को पानी में अच्छी तरीके से धोने जा रहे हैं ताकि जो भी मिट्टी के कण होंगे वो अच्छी तरीके से साफ हो जाएंगे। अब हम इसे अच्छे से धो लेते हैं। धोने के बाद हम इसका सारा पानी निकाल लेंगे। पानी अच्छी तरीके से निकलने के बाद हम इसे मिक्सर के कंटेनर में डाल देंगे। अब हम इस घास को अच्छी तरीके से ग्राइंड करने के लिए इसमें 100 ml फ्रेश वाटर ऐड कर रहे हैं। ये हम मैंने फ्रेश वाटर ऐड कर दिया। अब हम हमारे इस पीसे हुए रस को ग्लास में छान लेते हैं। अब हम इन घास को चम्मच से प्रेस करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रस निकले। हमारा तरन रस या वीटग्रास जूस अब पीने के लिए तैयार हो चुका है। इसके पीने का सही समय सुबह खाली पेट है, और इसे पीने के बाद 1 घंटे तक आप कुछ खाए या पिए ना। अब मैं इसका स्वाद चखने जा रहा हूँ। यदि आपको इसका स्वाद जानना है तो जल्दी से इसका प्लांटेशन शुरू कर। इसे पृथ्वी का अमृत ऐसे क्यों कहा जाता है यह तो आप गूगल कर लेना मित्रों। पर आपको यह वीडियो के बारे में कुछ प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे टैग कीजिएगा। धन्यवाद।